नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर राजधानी दिल्ली की है, जहां तारों का जंजाल हटाने को लेकर सदर बाजार में लगातार अभियान जारी है। इस अभियान को लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने केंद्र व दिल्ली सरकार से अपील की है कि वह इस कार्य में सहयोग करे और एक कमेटी का गठन करे, जिसमें युद्ध स्तर पर यह तारों के जंजाल को हटाने का अभियान तेजी से हो, क्योंकि एक मार्केट में ही लगभग एक महीना लग रहा है। इस प्रकार सदर बाजार में 83 मार्केट है, उनका इस प्रकार कार्य करने में काफी समय लग जाएगा और आए दिन मार्केटों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा बना रहता है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा कि दिल्ली के कई मार्केट में आग लगने की घटनाएं हुई, यहाँ तक कि मुखर्जी नगर के एक इंस्टीट्यूट में भी आग की बड़ी घटना ने व्यापारियों में डर पैदा कर दिया है। परमजीत सिंह पम्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से भी निवेदन किया है कि वह अधिकारियों को निर्देश दे जल्द से जल्द तारों का जंजाल हटाने का कार्य पूरा हो, क्योंकि कोई बड़ी घटना न हो पाए। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन, जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार तीसरे हफ्ते भी बारी मार्केट सदर बाजार में ये तारों का जंजाल हटाने का कार्य शुरू है। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है सदर बाजार में और मैं सारे जो अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। खासकर सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो अपना क्या नाम है दिल्ली सरकार हो, कि ये जो है इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें ये जो काम है सदर बाजार में जो मार्केट की तार हटाने का, ये युद्ध स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार तारों का जंजाल पूरी लगभग सदर बाजार में 83 मार्केटें हैं उनमें फैला हुआ है, और अगर एक एक मार्केट में एक एक महीना लगेगा तो बहुत ही दिक्कत आएगी। और आए दिन मार्केट में शॉर्ट सर्किट वगैरह होते जा रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार वो जो कर्मचारी है किस प्रकार वो ऊपर अपनी जान पर खेल कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कमेटी बनाकर पूरे सभी डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके लगभग जितनी भी तारों की सफाई है वो करवाई जाए, जिससे ये तारों का जंजाल हट सके और सदर बाजार और भी मार्केटें सुरक्षित रह सके, क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार मार्केटों में कहीं ना कहीं आग लग रही है, कोई घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा मुखर्जी नगर में भी इंस्टीट्यूट में आग लगी, यहाँ पर अपना भगीरथ पैलेस में भी आग लगी, वो दुकानदार आज तक जो देखो किस प्रकार भटक रहे हैं अपनी दुकानों के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जो व्यापारी लाखों रुपए का टैक्स देता है उसके लिए कोई भी सहूलत नहीं है, जबकि कई पर भी छोटी मोटी आग लग जाती है तो बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, उनके लिए पैकेज घोषित कर देते हैं, मगर व्यापारी के लिए क्यों नहीं होता, व्यापारी की क्यों नहीं सुनाई होती। इसलिए आप लोगों व्यापारियों को भी एकजुट होना पड़ेगा और जो भी है सरकार पर दबाव डाले, अपनी अपनी मार्केटों में ये तार के कार्य है कराए, और जहां तक भी सहयोग होगा फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन व्यापारियों के साथ और भी मार्केटों के साथ मिलकर ये तालमेल बनाकर तारों के जंजाल हटाने के लिए कार्य में योगदान देगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।